अधूरी कहानी जिसके पूरे होने का ख्वाब सभी ने देखा था। सभी को इस कहानी के पूरे होने का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी पूरी कहाँ हो पाती है, सबको मुकम्मल जहाँ कहाँ मिल पाता है। ऐसी ही कहानी थी सिडनास की, जो ऐसे तो पूरी थी लेकिन वो कहानी इस दुनिया में रहते हुए पूरी नहीं हो सकी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आशल पांडे और आप देख रहे हैं इन खबर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिडनास की। बिग बॉस 13 का सबसे चर्चित कपल रहा है सिडनास। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के पैर को फैंस ने प्यार से ये नाम दिया था सिडनास। लेकिन अफसोस, सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद ये कहानी अधूरी रह गई, इनकी जोड़ी अधूरी रह गई। इसी क्रम में अब शहनाज और सिद्धार्थ का एक गाना रिलीज होने वाला है। ये गाना सिद्धार्थ की मौत के कुछ दिन पहले ही शूट किया गया था। इस गाने को अब रिलीज किया जा रहा है। कल इस गाने का पोस्टर सारेगामा ऑफिशियल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। इस पोस्टर को देखकर कुछ फैंस काफी भावुक हो गए, तो वहीं कुछ फैंस इस गाने को लेकर मेकर्स को काफी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस गाने का नाम रखा गया है अधूरा। जी हाँ, इसके साथ ही इस गाने का पोस्टर शेयर करते हुए सारेगामा ऑफिशियल ने लिखा है कि एक अधूरी कहानी, एक अधूरा गाना। इस गाने का नाम पहले हैबिट था, लेकिन अब इस गाने का नाम बदल के अधूरा कर दिया गया है, जिस पर फैंस काफी भड़क गए हैं। उनका कहना है, सिडनास की कहानी भले ही अधूरी हो, लेकिन उनका रिश्ता अधूरा नहीं था, उनका रिश्ता पूरा था। इसलिए वो मेकर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस गाने का नाम फिर से बदलकर हैबिट कर दें। इस बात को लेकर ट्विटर पर फैंस मेकर्स को बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि रिलीज से पहले इस गाने का नाम चेंज कर दिया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि मेकर्स इस गाने का नाम चेंज करने के मूड में हैं। सारेगामा ऑफिशियल के इंस्टाग्राम हैंडल पर काफी कमेंट्स आए हैं, जिस पर मेकर्स को बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इन कमेंट्स का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि ये गाना 21 अक्टूबर को रिलीज होगा। फैंस को इस गाने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये वो आखिरी गाना है जिसमें वो आखिरी बार सिडनास की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद अगर किसी को सबसे गहरा सदमा लगा था तो वो थी शहनाज। महीनों तक शहनाज अपने कमरे में थी, बाहर तक नहीं निकली थी। शहनाज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन किसी तरह शहनाज ने खुद को संभाला और अब शहनाज अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट रही है। इन दिनों शहनाज की फिल्म हौसला रख रिलीज हुई, जिसके प्रमोशंस में शहनाज दिखी। शहनाज के नॉर्मल लाइफ में लौटने पर फैंस काफी खुश थे और वो शहनाज के जल्दी रिकवर होने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब सिडनास का ये गाना आने वाला है, तो इस गाने को लेकर फैंस खुश तो हैं, लेकिन उनके मन में शहनाज को लेकर चिंता सता रही है। उन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं फिर से ये गाना देखकर शहनाज दुखी ना हो जाए, वो फिर से टूट ना जाए। इस गाने की रिलीज 21 अक्टूबर को होगी, जिस रिलीज का सभी को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोग गाने की रिलीज को लेकर काउंटडाउन भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गाना इस साल का सबसे ब्लॉकबस्टर गाना होगा। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।